क्या आप जानते हो कि इस दुनिया की पूरी एनर्जी को भी अगर दो भागों में बांट दें तो उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में बांट सकते हैं। लेकिन हकीकत में एनर्जी तो एनर्जी ही है। वह शायद बहुत हद तक हम पर ही निर्भर करती है कि वह हमारे लिए पॉजिटिव रोल निभाएगी या नेगेटिव रोल निभाएगी। इसलिए आज जानते हैं कि जब ये नेगेटिव एनर्जी किसी के शरीर में जाने अनजाने ही घुस जाती है तो क्या क्या असर किसी इंसान की बॉडी पर करती है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे आप इस नेगेटिव एनर्जी को अपने शरीर से बाहर निकाल पाओगे। इसलिए अब अगर इस नेगेटिव एनर्जी के किसी को शिकार बनाने की बात करें तो जब भी यह नेगेटिव एनर्जी किसी को शिकार बनाती है तो ऐसे इंसान की नाभि के स्थान के आसपास भारीपन सा महसूस हो सकता है, क्योंकि इंसान की नाभि का काम भले ही इंसान के जन्म लेते ही खत्म हो जाता है, हमें ऐसा दिखाई तो देता है लेकिन वह हमेशा ही एक दूसरे लेवल पर एक्टिव रहती है। और इसका पता आपको तब बड़ी ही आसानी से लग सकता है जब किसी इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी घुस जाती है, क्योंकि इस समय पेट में भारीपन होने का कोई भी कारण खोजने पर किसी को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे इंसान को इस जगह पर अचानक से तेज दर्द महसूस होता रहता है और उसका डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। और अगर अगली बात नेगेटिव एनर्जी के शिकार करने के तरीके की करें तो जब भी यह अपना काम करती है तो इंसान की बॉडी में अचानक से बहुत से चेंज कर देती है। जैसे किसी को लग सकता है कि उसका वेट अचानक से बढ़ने लगा है, क्योंकि जब भी नेगेटिव एनर्जी शरीर में घुसती है तो इंसान के लव और विश्वास जैसे पॉजिटिव इमोशंस को खाना शुरू कर देती है, और इंसान इसकी पूर्ति खाना खाकर करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको अपने अंदर बहुत ज्यादा खालीपन सा महसूस होने लगता है। तभी तो आप इसका फर्क कभी भी किसी भी दिन देख सकते हो कि जब भी कोई इंसान दुखी हो जाता है तो उसको कुछ ज्यादा ही भूख लगने लगती है, और उसके उल्टे जैसे ही किसी को प्यार हो जाता है तो ऐसे इंसान की भूख ही नहीं प्यास भी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर पूरी तरह से एनर्जी बनी रहती है क्योंकि तब इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी ना के बराबर ही बसती है। इसलिए अगर आपको भी अचानक से बिना किसी बात के बहुत ज्यादा भूख लगने लगे तो आप खुद से चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका मूड तो किसी चीज के लिए खराब नहीं है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस समय खाया गया खाना आपके शरीर को बहुत ही थोड़ी मात्रा में एनर्जी दे पाएगा, क्योंकि बाकी की सारी एनर्जी जो इस खाने से बनी थी नेगेटिव एनर्जी खुद का वजूद कायम करने में खा जाएगी। तभी तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग बकरी की तरह हर समय चरते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आप उनका एक्सरे अपनी इन्हीं साधारण आंखों से देख सकते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि 100 में से 95 लोगों की सारी एनर्जी जाने अनजाने इसी नेगेटिव एनर्जी के कारणों से बर्बाद हो रही होती है। यह दूसरा कारण जो किसी के साथ होता है वह यह कि यह आपके वेट को बढ़ाने का काम करेगी, जिसको देखकर आप खुद परेशान रहने लगोगे कि आप मोटे हो गए हैं, और आप नेगेटिव एनर्जी की एक ऐसी सीरीज में फंस जाओगे जहां से आपका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल सा हो जाएगा। इसलिए अब अगर नेगेटिव एनर्जी के शिकार करने की अगली बात करें तो जब भी नेगेटिव एनर्जी किसी इंसान का शिकार करती है तो ऐसा इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और डिप्रेशन होना इसी नेगेटिव एनर्जी के कारण ही संभव हो पाता है। और ये सब कैसे होता है, चलिए इसको भी आज थोड़ा डिटेल से समझ ही लेते हैं, क्योंकि इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी ये नेगेटिव एनर्जी किसी को शिकार बनाती है तो सबसे पहले ये किसी के पास एक नेगेटिव विचार के रूप में ही पहुंचती है, और इस विचार की क्वालिटी पूरी तरह से नेगेटिव ही होती है। और जो नेगेटिव एनर्जी या विचार अपने अंदर सोख के रखता है या स्टोर करके रखता है, वह इस नेगेटिव एनर्जी को ऐसे इंसान के ब्रेन में छोड़ देता है, और वहाँ से यह एनर्जी इस इंसान के पूरे शरीर में पहुँच जाती है। और जब यह नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव विचारों के रूप में किसी इंसान के अंदर इकट्ठा होती ही जाती है तो ऐसा इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि ऐसे इंसान का दिमाग नेगेटिव विचारों से पूरी तरह से भर जाता है और उसकी सोल का कोई भी मैसेज उस तक पहुंचना बंद हो जाता है, और ऐसा इंसान पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है। और जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इमोशंस काम कर रहे होते हैं वे भी सारे के सारे नेगेटिव ही होते हैं, जो कभी ऐसे इंसान को डराते हैं तो कभी रुलाते हैं, और ऐसा इंसान अपनी लाइफ को यूजलेस समझने लगता है। और इसी कारण से बहुत से लोगों के शरीर में कंपन, बेहोशी जैसी चीजें भी घटित हो सकती है, और शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट में अचानक से दर्द सा महसूस हो सकता है, और अगर वह किसी डॉक्टर से चेकअप भी करवाता है तो डॉक्टर को भी कोई कारण इसके नहीं मिलते हैं। इसलिए और भी न जाने कितने ही कारण हो सकते हैं जिससे यह बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कोई इंसान किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार हुआ है। इसलिए चलिए अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की कि कैसे कोई अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी के शिकार होने से बचा सकता है। तो इसके लिए जो सबसे पहला नियम काम करेगा वह है एक्सरसाइज करना, क्योंकि जब भी कोई इंसान एक्सरसाइज करता है तो उस समय इस यूनिवर्स की प्राण एनर्जी को अपने तेज सांसों के चलने के कारण अंदर सोखता है, और इस प्राण एनर्जी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि यह प्योर पॉजिटिव एनर्जी है, और जो जितनी ज्यादा इस प्राण एनर्जी को अपने अंदर सोखेगा उतना ही उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी बाहर का रास्ता नापने लगती है। इसलिए आप इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पे इसी प्राणायाम को रख सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज तो नहीं की जाती है मगर तेज सांसों के चलते फिर भी वही काम कर लिया जाता है जो एक्सरसाइज करके किया जाता है,
मगर एक्सरसाइज फिर भी इससे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें कई और ज्यादा चीजें भी होती है जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तीसरे नंबर पर, आप इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जिस जगह पर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे किसी फेमस मंदिर आदि की होती है, या किसी हिल स्टेशन आदि पर आप जा सकते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन पर लोग केवल पॉजिटिविटी के साथ ही पहुंचते हैं और अपनी सारी नेगेटिविटी को जाने अनजाने नीचे ही छोड़ जाते हैं। और चौथे नंबर पर, इस नेगेटिव एनर्जी को हराने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना जरूरी है, जिसमें आपको अपने सारे नेगेटिव विचारों को बाहर निकालना होता है। और उसके लिए आपको कुछ खास तरह के मेडिटेशन करने की जरूरत होती है, जैसे अगर आपके अंदर बहुत से गुस्से वाले विचार किसी के प्रति भरे हों, तो आपको उन सबको किसी भी ऐसी चीज पर निकालने होते हैं जिस पर कोई फर्क ना पड़े। और पांचवें नंबर पर, अगर नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की बात करें, तो आपको अपने दिमाग के काम करने और विचारों के काम करने के बारे में बहुत कुछ सीखना ही होगा, तभी आपको सही से बहुत कुछ पता चल पाएगा और आप इस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर घुसने से पहले ही रोक पाओगे। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही इस यूनिवर्स में एक साथ घूम रही है, लेकिन अगर हम केवल नेगेटिव एनर्जी को ही पकड़ पा रहे हैं, तो इसमें शायद गलती हमारी है, क्योंकि हम चाहे तो पॉजिटिव एनर्जी को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर ये नेगेटिव एनर्जी चली गई है, तो कैसे यह आपके अंदर पहुंचती है और कैसे आप इसको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, आपको शायद आज बहुत कुछ इसके बारे में सही से समझ आ ही गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।